बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे एग्जांपल है, ये रेक्टेंगल है, उसको हमने तीन पार्ट में टोटल हॉरिजॉन्टली तीन पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3। तो फर्स्ट पार्ट तो होल पार्ट है, मतलब वो पूरा ऐसे ही है, उसको और कोई डिवीजन नहीं दिया है। सेकेंड पार्ट है, उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये क्या हो गया, 1/3, 1/3, 1/3। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है, 1, 2 एंड 3, इसलिए डिनोमिनेटर में आया 3 और न्यूमरेटर में आया 1, बिकॉज वो तीन पार्ट में से एक पार्ट वो अपना है, उसका है, इसलिए वो एक पार्ट कंसिडर कर रहा है, तो हो गया 1/3। फिर थर्ड पार्ट को हमने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हर एक पार्ट कितने पार्ट का हो गया, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो नीचे 6 क्यों आया, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है, 6, तो नीचे कितने क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, तो वो हो जाता है डिनोमिनेटर। और 6 में से एक जो पार्ट है वो क्या है, एक ही पार्ट इसने ऑक्यूपाई किया है, इसलिए उसने 1/6 रेशियो हो गया उसका। तो अब हम देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट की मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ऑब्टेन होता है। तो जैसे एक 1/3 है, ये एग्जांपल है, ये नंबर को हम नॉन जीरो नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, तो हमारा आंसर आया 2/6। अगर हम ये 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो वापस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, मतलब ये बिल्कुल इक्वल, हमने नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर भी आंसर क्या हुआ, सेम। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब देखते हैं 2/10, 2/10 को हम डिवाइड करते हैं एक नॉन जीरो नंबर से, तो 2 / 2 और 10/2, नॉन जीरो नंबर होगा वो दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में दोनों में सेम होना चाहिए, तो 2/2 = 1 एंड 10/2 = 5, तो 1/5 और 2/10 इक्वली होगा, बिकॉज ये 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/5 ही होगा, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वली हो गया। तो नेक्स्ट है, वी कैन शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय एडिंग अप, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एडिंग अप करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये दो फ्रैक्शन है 1/6 और 1/6, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, 1/6 + 1/6 करेंगे, तो हमें वापस ऊपर वाले फ्रैक्शन मिलेगा, मतलब दोनों को ऐड करके हमें वापस एक फ्रैक्शन मिला, इन दोनों को ऐड करके हमें ये फ्रैक्शन मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके हमें ये फ्रैक्शन मिलेगा, फिर इन तीनों को ऐड करके हमको ये फ्रैक्शन मिलेगा। अगर ऐसा फ्रैक्शन हमें मिलता है तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल रिलेटेड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो एग्जांपल दे रखा है, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/7, 2/14, 3/21, मतलब 1/7 के दो फ्रैक्शन दिए हैं हमको, उसके आगे के और 4 फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। तो हम देखते हैं 1/7 के दो फ्रैक्शन वो कैसे आए। तो 1/7 को पहले हम क्या करेंगे, नॉन जीरो नंबर मतलब हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/7 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 2 = 14, तो 2/14 फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया उसका। फिर सेकंड फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, तो 1/7 को नॉन जीरो नंबर से वापस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए करेंगे, तो 3 × 1 = 3, 7 × 3 = 21। हाँ, तो ये क्या जा रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे अभी और हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/7 को
पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर 7 से करेंगे, बिकॉज हमें 4 चाहिए तो और 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, तो हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने ऐसे फाइंड कर लिए। अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 1 = 4, 7 × 4 = 28, 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35, 6 × 1 = 6, 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7, and 7 × 7 = 49. तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये क्या है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब 1/7, 2/14, 3/21 के बाद और 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी फ्रैक्शन हो वो लोएस्ट फॉर्म में है ऐसा हम तब बोल सकते हैं जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा 1 होगा वही उनका कॉमन फैक्टर होगा, बाकी उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर उनका कॉमन ना हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट फ्रैक्शन है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, 30, 45 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनको उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना आप आगे के चैप्टर में सीख चुके हो। तो हम 30 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 30 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 30 और 45 किसके मल्टीपल्स है, तो वो 3 के मल्टीपल्स है। 3 को कितने टाइम्स करेंगे तब हमको 30 मिलता है, 3 को 10 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलता है 30, और 3 को 15 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलता है 15। तो ये 3 जो है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब 10 और 15 का कौन सा सेकंड कॉमन फैक्टर हो सकता है, 10 और 15 दोनों ही 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो 5 इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो 5 × 2, तो 10, 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो हमें 10 मिलता है, और 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है 15। तो 3 और 5 जो है उसके क्या हो गए एचसीएफ फैक्टर, और अभी इसके आगे इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो 3 × 5 है, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 30 और 45 = 3 × 5, मतलब 15। अब हम ये 15 जो है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 30/45, तो 30/15 और 45/15। अब 30/15 करेंगे तो होगा 2, एंड 45/15 करेंगे तो होगा 3। तो ये जो मिला हमको ये है हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन, बिकॉज 2 का और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। तो ये हो गया लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन।